और ये देखिए अभी वो पफ की प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं। ये उन्होंने आटा लगा दिया उस पर और ये अभी चालू कर दिया है पफ को बनाना। देखिए फ्रेंड्स अभी किया जाएगा पफ की कटिंग और ये पफ का शेप देने के लिए भैया ने लकड़ी का मेज़रमेंट ले लिया है और ये देखिए बॉर्डर कट कर दी गई है और ये अभी कटिंग चालू हो गया है। ये देखिए अभी लंबाई में काट लिया है उसको, अभी उसको चौड़ाई में काटा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स जो ख़राब शेप आता है ना तो उसको भी साइड में निकाल लिया जाता है और इस तरह से देखिए ये पफ का शेप कटिंग हो चुका है। अभी इस पर डाला जाएगा, पानी का स्प्रे किया जाएगा ताकि जो इस पर जो आटा लगा हुआ है ना वो बैठ जाए। ये अभी उस पर स्प्रे कर दिया गया है, देखते हो फ्रेंड्स अभी उसका आ गया है मसाला और ये अभी मसाला डाला जाएगा सब में। और ये देखिए ये एक भैया मसाला डाल रहे हैं और दूसरे भैया उसका शेप बना रहे हैं। ये देखिए ये दूसरे भैया फटाफट फटाफट उसके पीछे पीछे ही जैसे मसाला डाला जाएगा ना वैसे वैसे शेप देते जाएंगे, उसको फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए यानी यहाँ पर काम इतना स्पीड से हो रहा है ना जैसे लगता है कि आदमी नहीं मशीन काम कर रही हो। वो है एक्सपीरियंस, अगर उनके पास में इतना एक्सपीरियंस है ना तभी वो इतनी स्पीड से काम कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई दूसरा आम आदमी हो ना तो वो कर नहीं पाएगा उस तरीके से काम जैसे ये करते हैं। और इतनी गर्मी में काम करना यानी सल्यूट है इनको, देख सकते हो कितनी गर्मी है, उतनी गर्मी में भी वो अपनी हिम्मत से अपनी स्पीड से काम कर रहे हैं। और देखिए भैया ने मसाला लगा दिया और पीछे पीछे ये दूसरे भैया उसको फोल्ड करते जा रहे हैं, शेप देते जा रहे हैं पफ का। और अभी उसको ट्रे में भरा जाएगा। ये देखिए अभी ट्रे आ गई है और ये ट्रे में उसको लगाया जा रहा है। ये ट्रे रेडी हो गई है, ये दूसरी ट्रे। यहाँ पे देखिए ये ट्रे भर भर के रखी जा रही है, उसको बाद में जैसे ट्रॉली खाली होगी ट्रॉली में डाला जाएगा। और यहाँ पे देखिए देख सकते हो फ्रेंड्स अभी पफ के ऊपर पानी का स्प्रे किया जा रहा है।
ताकि जो उस पर जो आटा लगा था, जो फ्लोर लगा है, उसको बैठ जाए और वो पकने में उसको जो पकने के बाद जो उस पर आटे का महसूस नहीं लगे, आपको फ्लोर जैसा महसूस नहीं लगे। अभी उस पर पानी डाला जा रहा है, पानी का स्प्रे किया जा रहा है हल्का हल्का, ये देख सकते हो हल्का हल्का पानी का स्प्रे किया जा रहा है। ये देखिए, देख सकते हो फ्रेंड्स, अभी वो पफ जो रेडी किया था, कटिंग किया, उसमें मसाला डाला और अभी उसको ट्रॉली में डाला जा रहा है। ये देखिए भैया यहाँ से ट्रॉली में डाल रहे हैं उसको। देख सकते हो फ्रेंड्स, अभी जो पफ बनाए गए थे उनको डाला जाएगा ओवन में। और ये देखिए भैया ओवन में डाल रहे हैं। तो इसको कितना टाइम लगेगा भैया? इसको 21 मिनट लगेगा पफ को बनने में। ओके, और ये देखिए डाल दिया गया है और ये भैया ने बंद कर दिया। और यहाँ पे अभी टाइम सेट किया जाएगा और ये देखिए उन्होंने टाइम सेट कर दिया और ये अंदर प्रोसेसिंग चालू हो चुका है। और ये देखिए अपने पफ भी रेडी हो चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अपनी येलो खारी है और यहाँ पे ये ग्रीन खारी है।